ये संकेत है, प्रकृति हमें पांच तत्वों से हमेशा संकेत देती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति इंटेलिजेंस है, जैसे हम बोलते थे वायुदेव है लेकिन जिनको बिल्कुल ही नहीं पता ना, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ने वाले। ना। कभी हवन जब हम करते बड़ी शुद्ध भावना से, हवन के अंदर ओम और देवी देवता गणेश और अवतार दिखते हैं आपको। जी हाँ जी, बहुत बार मैंने खुद, ये सही है। अब नेचुरल वर्ल्ड हाँ छोड़ के आर्टिफिशियल वर्ल्ड पे जा रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल वर्ल्ड एंजॉय भी जा कर रहा है। रहे हैं। क्या हो रहा है इसी को तो मेटावर्स है, एक यूनिवर्स मेटावर्स। एक अभी जो चीज हो रहा है सुना दो। अभी, हाँ दुनिया भर में, उस पर एक थोड़ा बात करते हैं। अभी देखा होगा जानवर गोल गोल चक्रों की काफी ज्यादा वीडियो आ रही है हर जगह से, मतलब कहीं पे छोटे जीव बड़े जीव, तो उसके ऊपर थोड़ा करते हैं। मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि वो सुदर्शन चक्र बना रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि रीसेट का वो साइन दे रहे हैं कि भाई युग चक्र पूरा हो रहा है। तो आप बताइए जीवन जी, आपको क्या लगता है उस पर? ये मुझे लगता है ये संकेत है, प्रकृति हमें पांच तत्वों से हमेशा संकेत देती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति इंटेलिजेंस है, जैसे हम बोलते थे वायुदेव है ना, अग्निदेव है। तो अब ये धरती की कुछ ऐसी वाइब्रेशंस बन रही है कि ये प्राणी, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो भगवान या नेचर इनके थ्रू हमें बता रहा है कि आप सुधर जाए। और ये प्राकृतिक सिंबल्स ऐसे बना रहे हैं, जैसे गोल सर्कल एक कंप्लीशन का सर्कल है, मुझे ऐसा लगता है। और बट आम जो लोग हैं जो अपनी भागदौड़ में लगे, वो इस चीज को समझेंगे नहीं, उन्हें लगेगा ये तो ऐसे ही हो रहा है, उसका कोई ना कोई ये साइंटिफिक रीजन निकाल देंगे जो ये करते ही आए हैं। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संकेत आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे पढ़ा है कि बिल्कुल बिल्कुल एक स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन है, वो बता रहे हैं कि 2030 तक बहुत ज्यादा रूपांतरण और चेंजेस एवोल्यूशन होंगे। और सहजोग से भी बताया जा रहा था कि आप ब्रह्मा कुमारी इसको सुनो, उन्होंने भी बताया कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी अलर्ट हमें किया जा रहा है, बट हम लोग जो सो रहे हैं, मैंने बताया ना जिनके आज्ञा चक्र ब्लॉक है ईगो या सुपर ईगो से, वो नहीं मानेंगे, उन्होंने नहीं हम मानना। तो प्रकृति हमें अलर्ट कर रही है और मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। मतलब कि साइकिल शुरू होने वाली, दूसरा साइकिल आने वाला, ये भी इंडिकेट ये भी हो सकता है। वही मैंने देखा कई लोग मतलब ऐसा बता रहे हैं भाई पूरा युग चक्र हो रहा है, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसी का निशान बना रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना रहे हैं, तो मतलब सब संकेत दे रहे हैं कि भाई जाग जाओ अभी कुछ। बिल्कुल 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 ये तो है। और तो पूरा नेचर के आपको मैं मॉर्गन जी एक चीज भी बताता हूँ। हाँ हमारे कोई है सर, वो बहुत अच्छी स्थिति के ध्यान योगी है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे बड़ी अच्छी अच्छी ऐसे बादलों में पिक्चर्स दिखाई हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो बादलों में उनके फेसबुक पेज पे अभी भी है वो पिक्चर्स, ऐसे जैसे राक्षस का फेस बन रहा है, एक साइड राक्षस का फेस है, एक साइड देवता का फेस है, एक साइड शिव का है, एक साइड देवी का, और ऐसे ऐसे एंजल्स के फेस दिख रहे हैं, और बहुत एविडेंट थे वो। और इवन जो वो ट्रेल थी स्काई पे, वो तो मैंने भी देखी है, मैंने सोचा कि शायद वहम है, बट मैंने 2 बार देखी। तो ऐसी चीजें मैंने देखी है, तो कुछ तो हो रहा है। इवन वो जो नंबर्स आपने देखा होगा एंजेलिक नंबर, ये मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऐसे ही है, बट मैंने कई बार नोटिस किया कि मुझे दिखाई दी। हाँ तो कुछ तो हो रहा है, अभी होने वाला है। यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे आपको इंडिकेशन दिया जाता है। अब आप लोग उसको पिक करेंगे कैसे, उनको पता भी तो होना चाहिए, वो उस लेवल की अवेयरनेस है नहीं। अब जिनको अवेयरनेस है उनको पता है, वो पिक कर रहे हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ भी रहे हैं। जिनको नहीं पता ये 111, 411, 333 ये सब का क्या है, क्या है इनका, तो वही कौन सोचता होगा आज के टाइम में। खैर हमारे हम लोग तो इतने कमी है इस तरह के सोच वाले, तो हमें पता है, हम इसलिए हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स की लैंग्वेज को, ब्रह्मांड की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ते हैं, हम कोड्स को डी कोड करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिनको बिल्कुल ही नहीं पता ना, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ने वाले। एक चीज और हाँ, उनका तो मतलब जजमेंट हो ही अभी, हाँ बीच में जैसे अभी आपने बताया ना बादलों में वो डिजाइन्स बन रही थी, तो एक सही चीज को मतलब नेचर रेस्पॉन्स करती करती है, ये चीज मैंने देखा है। मतलब PT2 आप दोनों जानते होंगे उनको, उन्होंने ओम का उच्चारण किया था, मतलब सही उच्चारण की ये होना चाहिए। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको किया तो मैंने संजय के साथ फोटो भी भेजा था, वो ओम बना था पूरा आकाश में, वो डाल भी दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ। जी 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 यस यस मतलब नेचर सही चीज पे बहुत बड़ी बात है। हाँ वही
एक और चीज आप एक जो और चीज देखना, कभी हवन जब हम करते बड़ी शुद्ध भावना से, हवन के अंदर ओम और देवी देवता गणेश और अवतार दिखते हैं आपको जी, हाँ, बहुत बार मैंने खुद सही है ये हमारी गिनी मैम भी हिमाचल तो उधर भी उनको ओम बादलों में दिखा था उच्चारण करने के बाद, वो भी ये बहुत अच्छी चीज है। साइंस होते हैं सारे नेचर के कि आप सही ट्रैक पे हैं, लेकिन जिनको जो अनअवेयर्ड है ना वो लोग तो बिल्कुल ही एकदम उनको खैर वो डिकोड भी नहीं करेंगे। नहीं, उनका तो बस जजमेंट अब उनका जो जैसे कहते हैं ना अंतरिंग जमानत उनका जब्त हो चुका है, उन्होंने अपना मतलब दे दिया अपना फ्री विल, जिसे बोलते हैं ना फ्री विल दे दिया इनको शैतान को, तो उनको बस यही सब चाहिए। हाँ, तो जैसे फ्री विल हमारे अंदर ही है, एक बार फ्री विल दे दी गई ना पूरी तरह से तो ये बिल्कुल एकदम देवरी हो जाएगी, क्योंकि एक है भाई साहब वो काम कर रही है एक दिमाग पे वो लगाने के लिए आप जानते होंगे उनको, तो वो भी उससे होगा क्या, उससे लोगों की फ्री विल चली जाएगी, वो तो बिल्कुल एकदम तो कहा जाएगा वही करेगा इंसान, तो जिनको पता है वो तो अपना अलग चुनाव कर चुके होंगे डिवाइन के साथ, जिनको नहीं पता हाँ भाई ये तो अच्छा फैशन है वेरी गुड हम चलते हैं, ये तो टीवी पे दिखाते हैं साईफाई मूवीज में दिखाते हैं, अरे बड़ा मजा आएगा, वो तो कर लेंगे वो चुनाव कर ही रहे हैं लोग, जो जितना टीवी के टीवी क्या है एक माइंड प्रोग्रामिंग डिवाइस है टीवी क्या, हम लोग वैसे देखा जाए इसको इडियट बॉक्स बोलते हैं, वो एक माइंड प्रोग्राम, अगर कोई बंदा टीवी अगर सारा दिन देखेगा ना उसका माइंड उस लेवल का प्रोग्राम हो जाएगा, 21 दिन तक अगर देखा जाए टीवी तो उसको बोलते हैं एमके अल्ट्रा माइंड प्रोग्राम, उसका माइंड बिल्कुल प्रोग्राम हो जाएगा, उसको जो कहा जाएगा वो वही करेगा, और वो हो ही रहा देख रहे हैं न्यूज वगैरह यहाँ वहाँ क्या क्या मूवी जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, और सबसे भयानक चीज है देखो इंस्टाग्राम जानवर घूम रहे हैं कोई नहीं दिखा, और सर आप देखो इंस्टाग्राम स्नैपचैट छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे वो देख रहे हैं कि लाइव आना जरूरी है या फेमस होना जरूरी है, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये चीजें देखी है, तो उनके बारे में सोच के कई बार डर लगता है कि ये क्या ब्रिंगिंग में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे कभी हमने फोन नहीं देखे, कभी हमने ये चीजें थी ही नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे आप देखो इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं रील्स बना रहे हैं, मतलब कितना कितनी भयानक मतलब एक पिक्चर आ रही बाहर उनके पेरेंट्स के लिए, और वो मतलब इस तरह के आर्टिफिशियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग हो रही है, नेचुरल वर्ल्ड छोड़ के आर्टिफिशियल वर्ल्ड पे जा रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल वर्ल्ड जॉइन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको तो मेटावर्स है, एक यूनिवर्स मेटावर्स यही तो है, और अब देखिए जो बिल्कुल ही इसमें घुस जाएगा ना मेटावर्स में वो हार नहीं आ पाएगा, इस पर उस लेवल की प्रोग्रामिंग होगी ना अटक जाएगा उन पे पूरी लाइफ अपनी, आप देखना ये चीज, फिर बाद में उनको आप जितना भी समझाएंगे ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है कभी, कोई ऐसे नहीं आने वाला, कोई ऐसा ये जानवर तो ऐसे ही घूम रहे हैं ये खाने के लिए घूम रहे होंगे सही बात है, साइंस के पास हर जवाब है।